Okay, the screen is visible. ये बताओ, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे ये बताओ कौन सा दिख रहा है सही, ये वाला ये वाला? ये विजिबल मैंने लिखा है वो क्लियर दिख रहा है, या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो हेडिंग डाली है? दोनों में से कौन सा क्लियर ज्यादा दिख रहा है? स्क्वायर ओके okay. चलिए, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, दैट इज अ न्यू चैप्टर। तो देखो, स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं? व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स? बेसिकली स्क्वायर नंबर्स, ठीक है? तो स्क्वायर नंबर उस नंबर को बोलते हैं, मींस अ नेचुरल नंबर m, अ नेचुरल नंबर m यानी कोई भी नंबर, अ नेचुरल नंबर m व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ n स्क्वायर, वेयर n is a, ठीक है, also a natural number, n is also a natural number, ठीक है? तो ऐसे हम numbers को हम square number बोलते हैं। जैसे n can be written in the form of n square, जैसे for example 4, तो 4 हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का square, for example 9 हम उसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 16 हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो देखो, यहाँ पे m n स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 4 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 9 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 16 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 110 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 420 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसलिए इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि n स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस वजह से ये 100 400 4 9 16 ये सब क्या है, ये सब क्या है? स्क्वायर नंबर्स, दीज आर ऑल द स्क्वायर नंबर्स, ठीक है? अब दिमाग में आता है, क्या 1000 स्क्वायर नंबर हो सकता है? तो क्या 1000 किसी n के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो द आंसर इज नो, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? वो n स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इस वजह से 1000 स्क्वायर नंबर नहीं है। इज दैट क्लियर? तो वो नंबर्स जो n स्क्वायर के फॉर्म में लिखे जा सकते हो, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर नंबर। समझ में आया डेफिनेशन? चैट बॉक्स में लिखे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, ठीक है? दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। ओके, अब सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि जब कोई भी स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, तो उसका जो डिजिट है, जैसे इसको समझने के लिए हम जैसे इसको देखते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या 1 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या 4 आया, 3 का स्क्वायर क्या
9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया, 5 का स्क्वायर किया 25 आया, 6 का स्क्वायर किया 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर दैट इज 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 10 का स्क्वायर यू सी दैट इज 100। तो देखो अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस को देखो, 1 का यूनिट प्लेस, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, जाहिर सी बात है जो भी आगे नंबर्स हो गए वो 1 से लेकर 9 के नंबर्स का ही तो कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी डिजिट्स 1 से लेकर यानी 0 से लेकर 9 तक ही रहेगी, ठीक है, डिजिट्स क्या रहेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। भाई अगर मान लीजिए हम 289 लिखते हैं तो इसमें वही डिजिट्स है ना, 0 से लेकर 9 के बीच में, बस वही टू डिजिट नंबर बनाती है, वही थ्री डिजिट नंबर बनाती है। तो यहां से क्या देखने को मिला, जब हम इन डिजिट्स का 1 से लेकर 9 तक या 0 भी ले लो, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ठीक है, तो जो अब ये जो 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 किया, तो ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स, देख रहे हैं। तो जब ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर्स के यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं, 3 आ रहा है, नहीं, 4 आ रहा है, यस, 5 आ रहा है, यस, 6 आ रहा है, यस, 7 आ रहा है, नो, 8 आ रहा है, नो, 9 आ रहा है, यस। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी यही है कि जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 या तो 1 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 9 हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी नंबर है, जैसे मिसाल के तौर पर 1000 मैंने लिखा, ठीक है, तो 1000 के यूनिट प्लेस पे 0 है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो क्या मतलब है इसके कहने का, कहने का मतलब इसके ये है कि जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, होगा पहले से बोल रहा है कि वो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो सकता है या तो 1 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 9। तो किस परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 1 होगा या 4 या 5 या 6 या 9, वो इस टेबल से हमें पता चलता है। देखो 1 का स्क्वायर यानी कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, जैसे 81 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो जाहिर सी बात है जिस नंबर का ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके यूनिट प्लेस पे भी देखो यहां 1 का स्क्वायर 1 है और 9 का स्क्वायर, तो इसका मतलब या तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा या फिर 9 होगा, समझ रहे हैं। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 है, परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, तो जिस नंबर का वो स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे किया 11 का स्क्वायर, अब देखो ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर किया जा रहा है इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, यस और नो, यूनिट प्लेस पे 1 है, यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो जब यूनिट प्लेस पे 1 है तो देखो जब इसका स्क्वायर किया जा रहा है तो आ रहा है 121, तो देखो इस स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे 1 आया। इसी तरीके से जब 19 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा, 361, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी स्क्वायर नंबर, यानी 361, तो 1 देखो इसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है स्क्वायर के, तो जिस नंबर का ये स्क्वायर है उसके प्लेस पे देखो 9 है। तो इसका मतलब है कि जो इस स्क्वायर नंबर से अगर उनके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो जिनका वो स्क्वायर है तो उनके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर है, जैसे यहाँ पे 121 था और 361 है, इनके यूनिट प्लेस पे 1 आया, तो जिस नंबर के ये स्क्वायर होंगे, जिन नंबर्स के ये स्क्वायर होंगे,
ठीक है, तो उन नंबर्स के, ये जो n है उन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। ओके इसी तरीके से अगर हम बात करें यहां पे, तो 1 का हमने डिस्कस किया, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे, उसके यूनिट प्लेस पे मान लीजिए 0 है, तो इसका मतलब जिन नंबर्स का वो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 0 होगा। जैसे 10 का स्क्वायर देखो 100, अब 100 के यूनिट प्लेस पे 0 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो जिसका ये स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे भी 0 है। नेक्स्ट आते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 4 है, तो देखो 4 किस केस में होगा, 2 का स्क्वायर 4, और देखो 8 का स्क्वायर में भी 64 आया था जिसके यूनिट प्लेस पे 4 था, तो इसका मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, तो देखो यहाँ पे जिस नंबर का स्क्वायर है ये तो उसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो इसके यूनिट प्लेस पे देखो 4 आएगा। इसी तरह 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो आएगा देखो 324, तो यूनिट प्लेस पे 8 है, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे देखो क्या आया 4, तो इसका मतलब जो नंबर स्क्वायर नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 4 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जिन नंबर्स का वो स्क्वायर है उनके यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, ठीक है, या तो 2 या तो 8। इसी तरीके से अगर 5 है तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 5 होगा, ठीक है, सिंपल, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर ही 25 होता है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर यूनिट प्लेस पे स्क्वायर नंबर के 6 होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे जिन नंबर का वो स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 हो सकता है या तो 6। देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया 36 आया, यूनिट प्लेस पे 6 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया गया तब भी 6 आया, 16 आया, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो इसका मतलब स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 6 होगा तो फिर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो। अब देखो ओके, वेट अ सेकंड, अब मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, एक परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने लिखा यहाँ पे 256, ये क्या है, इट्स ए स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर है, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये बताओ ये जिसका भी स्क्वायर होगा, ये जिसका भी स्क्वायर होगा तो इस एन में यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है, यानी जिस नंबर का वो स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है। देखो यहां पे तुम्हारे सामने टेबल भी दिख रही है, तो इसके जो स्क्वायर नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो जिसका ये स्क्वायर है 256 जिसका स्क्वायर है तो उसके नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स होने के चांसेस हैं, जल्दी लिखो चैट बॉक्स में।
बेटा ये पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है स्क्वायर नंबर, या ये नंबर है 256, ये स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस पे देखो 6 है, ये देखो 6 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 256 किसी नंबर का स्क्वायर होगा ना, किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तभी तो 256 आएगा, यस और नो? जैसे ये जो 4 आया है ये 2 का स्क्वायर करने पे आया है ना, 144 आया है ये 12 का स्क्वायर करने पे आया है, तो 144 के यूनिट प्लेस पे देखो 4 है, तो जिस नंबर का ये स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या डिजिट हो सकते हैं? तो ये देखो कि जब 4 आता है स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है और ये नंबर है जिनका स्क्वायर किया जा रहा है, तो देखो 4 कहां कहां पे आ रहा है, 4 यहां पे आ रहा है और 4 देखो यहां पे भी आ रहा है यूनिट प्लेस पे। तो इसका मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर में 4 है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर है या तो उसके यूनिट प्लेस पे 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है, तो यहां पे 2 है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 256, तो इस परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा, अननोन नंबर है जिसका स्क्वायर होगा, तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं? तो पहले देखो परफेक्ट स्क्वायर, ये जो राइट साइड में परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें 6 किसके किसके पास है? एक 6 इसके पास है, 6 यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 6 इसके पास है और यूनिट प्लेस पे 6 इसके पास है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब जिसका वो स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है? या तो 4 या तो 6। तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं? या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो देखो 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर जब करेंगे तो 256। तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आया, 6 आया, दिख रहा है? तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसके जो यूनिट प्लेस है उस पे जो डिजिट होगा, तो वो डिजिट जो होगा उसके अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस पे जिसका वो स्क्वायर है वो डिजिट वहां पे मौजूद होगा, ठीक है। जैसे अगर यूनिट प्लेस पे फॉर एग्जांपल 144 है, ये 12 का स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर 144 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे देखो क्या है, 4 है। तो जब यूनिट प्लेस पे 4 है, ठीक है, तो 4 किसके किसके स्क्वायर पे आ रहा है, देखो 4 किसके स्क्वायर पे आ रहा है, 2 के स्क्वायर पे आ रहा है, या 4 किसके स्क्वायर पे आ रहा है, 8 के। तो जिस नंबर का भी ये स्क्वायर होगा, हम ये जानते हैं कि ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन हम अनजान बन रहे हैं, तो इसके यूनिट प्लेस पे ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है, 2 या फिर 8, ठीक है, यानी जिस नंबर का ये स्क्वायर होगा। देखो फिर से देखो, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 2 डिजिट में ये यूनिट प्लेस है, ये तो सिंगल डिजिट है, ये तो यूनिट प्लेस हो गई। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, क्योंकि 10 तो 2 डिजिट हो जाएगा ना, तो उसमें 0 आएगा, तो चलो 0 का स्क्वायर 0 हमने यहीं पे ले लिया। तो देखो, तो यहां से क्या पता चल रहा है, कोई भी नंबर है, जैसे हमने किया यहां पे 12 का स्क्वायर, तो 12 के यूनिट प्लेस पे 2 है, तो जब इसका स्क्वायर होगा जो भी नंबर आएगा, जैसे 144 होगा इसका स्क्वायर, तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे 4, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर जब भी किया जाएगा तो 4 आएगा, समझ गए इस चीज को? इसी तरह 8 का, यानी कि जब 18 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 324। तो देखो जब 18 का स्क्वायर कर रहे हैं तो जो स्क्वायर नंबर आ रहा है तो इसके यूनिट प्लेस पे भी 4 आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, तो जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर आता है उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 मिलेगा, जब 2 का स्क्वायर आप करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 मिलेगा।
तो इसी तरह मान लो मैंने 1111118 का स्क्वायर किया, अब मैं पूछूं जो भी यहां पे नंबर आएगा उसके बस यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। मींस मैंने ये 1118 स्क्वायर किया, अब यहां पे ये नहीं पूछ रहा कि स्क्वायर क्या आएगा, ये पूछ रहा है जो भी स्क्वायर आएगा इस नंबर का, जो भी स्क्वायर आएगा तो उसके यहां यूनिट प्लेस पे, इस वाले पे, लास्ट वाले पे, ठीक है, लास्ट वाले पे कौन सी डिजिट आएगी, कौन सी डिजिट आएगी, जल्दी बताओ। सिर्फ डिजिट लास्ट यूनिट प्लेस पे, यस बेटा बताओ। देखो यहां पे 18 का स्क्वायर किया गया, नंबर आया 324 आया, तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे 4 आया ना, देखो, क्योंकि जब भी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 आएगा, जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 होगा तो उसके स्क्वायर वाला जो नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 आएगा। तो यहाँ पे 11118 का स्क्वायर किया गया है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी नंबर आएगा, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। बेटा 64 नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे डिजिट, डिजिट एक को बोलते हैं, यानी 122 ये नंबर है, यहाँ पे 2 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है और 1 एक डिजिट है, डिजिट एक को बोलते हैं, पॉइंट समझिए। 122 लिखा है, ये यूनिट प्लेस है, ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये प्लेस वैल्यूज है, ये तो बेटा थर्ड फोर्थ में सिखाया जाता है। मैं डिजिट बोल रहा हूं, मैंने लिखा यहां पे 522, 5222, तो 2 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 5 अलग डिजिट है, 5222 पूरा एक नंबर है। तो देखो यहां पे जब 8 का स्क्वायर, जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे अगर 8 आएगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, कौन सा डिजिट दिया हुआ है, यहां कौन सा डिजिट दिया हुआ है, 4, तो जाहिर सी बात है यहां भी 4 आए। अब इससे पहले बहुत सारे डिजिट्स आएंगे लेकिन वो नहीं पूछ, मतलब वो नहीं पता लगा ना अभी हमें। मैं यहां पे लिख दूं 29868 का स्क्वायर, अब ये बताओ यहां जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। यस, अब समझ में आ गया। इसी तरीके से मैं लिखूं यहां पे 122522 स्क्वायर, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। टेबल से देखो, अब इसके यूनिट प्लेस पे 2 है। यस, आप समझ में आया। अब मान लो मैंने नंबर लिखा यहां पे 117 का स्क्वायर, जो भी नंबर आएगा तो इसके यूनिट प्लेस पे यहां कौन सा डिजिट आएगा। टेबल से देखो, बताओ। हुई साबिर खान, मुनाफ घर में किसी की आईडी साबिर खान के नाम से है। किसकी सर, क्या साबिर खान के नाम से कोई आईडी है? तो ये लिंक किसके पास गई है बेटा? चलो बहरहाल छोड़ो। अब ये बताओ जो मैंने क्वेश्चन किया, 117 का स्क्वायर करेंगे तो जो भी नंबर आएगा, तो देखो यहां पे देखो
यूनिट प्लेस पे सेवन है, तो यूनिट प्लेस पे सेवन है, तो जो भी नंबर सेवन के साथ एंड करेगा उसका स्क्वायर किया जाएगा। तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, कौन सा डिजिट आ रहा है यहां पे, देखो कौन सा डिजिट आ रहा है, नाइन। तो जाहिर सी बात है जब 117 का स्क्वायर करेंगे तो इसके भी यूनिट प्लेस में यहां पे क्या आएगा, नाइन आएगा। पॉइंट समझ में आया? अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं 1366 स्क्वायर करूंगा तो जो भी नंबर आए उसके यूनिट प्लेस पे यहां पे कौन सा डिजिट आएगा, जल्दी बताओ। अब तो बता देना चाहिए, 1366 का स्क्वायर किया जाएगा, जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। फोर क्यों होगा, बेटा यहां देखो सिक्स का जब स्क्वायर किया जाएगा तो 36 आया, तो इसके यूनिट प्लेस पे भी तो सिक्स है। ये देखो टेबल, यहां पे पूरी टेबल आपकी बनी हुई है, यहां पे 1366 का स्क्वायर है तो इसके यूनिट प्लेस पे सिक्स है, तो जब भी यूनिट प्लेस पे सिक्स होगा जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे सिक्स होगा उसका स्क्वायर किया जाएगा, तो जो भी नंबर आएगा, जो भी स्क्वायर नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे भी देखो सिक्स होगा। देखो ये इसके जस्ट सामने वाला चेक करो, मान लो मैंने यहां पे लिखा 1393 का स्क्वायर, तो 1393 का स्क्वायर जब मैं करूंगा जो भी नंबर आएगा, अब देखो अब यहां पे यूनिट प्लेस पे थ्री है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा, अब यहां पे यूनिट प्लेस पे थ्री का स्क्वायर जब भी किया जाएगा तो नाइन आएगा, तो यहां पे थ्री है तो इसका मतलब यहां पे यूनिट प्लेस पे नाइन आएगा। समझ में आ रहा है बेटा जो बताने की कोशिश की जा रही है? चलो अब जल्दी से बताओ, इतना टाइम बेटा इस टॉपिक में नहीं लगना चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है, इस चार्ट को देख के बस आपको बताना है। 124 का स्क्वायर अगर करेंगे तो जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, यूनिट प्लेस पे डिजिट, यस वेरी गुड। मैंने लिखा यहां पे 1259868 का स्क्वायर, जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, यस। अब पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था कि जब किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो स्क्वायर नंबर में, स्क्वायर नंबर जो भी होगा, स्क्वायर नंबर उसके यूनिट प्लेस पे या तो जीरो आ सकता है या तो वन आ सकता है या तो ठीक है फोर या तो फाइव या तो सिक्स या तो यस नाइन आता है, यस ठीक है, बस इन डिजिट्स। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जिन नंबर के यूनिट प्लेस पे ये होगा तो सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नो। जैसे मैंने लिखा यहां 19999, अब इसके यूनिट प्लेस पे 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 289 मैंने लिखा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके यूनिट प्लेस पे इन डिजिट्स में से कोई एक डिजिट होगा। पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा चलो अब ये बताओ, मैंने यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, 19 स्क्वायर 24 स्क्वायर 26 स्क्वायर 36 स्क्वायर और 34 स्क्वायर। अब मैं जल्दी से आपके सामने एक चार्ट बना दे रहा हूं,
ठीक है, अब ये बताए इन नंबर्स में, ये नंबर जब स्क्वायर किया जाएंगे तो कोई रिजल्ट आएगा, तो इनमें से किसके स्क्वायर में, बस आपको ये बताना है, ये हमारा ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, तो इनमें किस नंबर के स्क्वायर में आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा? 6 ए के बी के, यानी इन नंबर्स का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कोई नंबर आएगा, तो इन नंबर्स में से किन किन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिलने वाला है? जल्दी बताओ, ए बी सी डी ई, या सिर्फ ए में या सिर्फ बी में, और चार्ट आपके सामने है। इन नंबर्स का स्क्वायर जब करेंगे तो जो स्क्वायर नंबर आएगा, ये सब स्क्वायर नंबर्स आएंगे, तो किन स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 6 मिलने वाला है? तो देखो, ये जो राइट हैंड साइड होता है ये स्क्वायर नंबर को बताता है, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो जिस नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है उसके यूनिट डिजिट्स को बताता है। सी और डी, चलो ये करेक्ट है। और कोई? देखो गौर से देखो, 4 का स्क्वायर करोगे तब भी तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो इसका मतलब इनके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो जब स्क्वायर करोगे तो यहां पे 6 मिलेगा, यहां भी 6 मिलेगा, यहां भी 6 मिलेगा, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है तो इसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे भी 6 मिलेगा, लेकिन इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, तो अगर 9 होगा तो यूनिट प्लेस पे यहां पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा स्क्वायर पे। तो बस ये नहीं होगा, ठीक है, बाकी बी होगा, सी डी और ई। अब समझ में आया? ओके, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस एक परफेक्ट, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, पहले कंडीशन क्या बोल रहा है, वो स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ जीरोस जो उसमें होंगे दैट विल बी इवन, दैट विल बी इवन, जैसे 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो देखो इसमें कितने जीरोस है, 2, ठीक है, 1000, देखो अब इसमें 3 जीरोज है ना, ठीक है, 3 जीरोज है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने, 3, यानी ऑड नंबर, ठीक है। इसी तरीके से 400, तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो देखो इसमें कितने जीरोज है, 2 जीरोज, ठीक है, लेकिन ये मतलब नहीं है, यहां पे मैंने यहां पे लिखा 2100 तो यहां पे 2 जीरोज है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज है सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन पहले बोल रहा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है और जीरोज है तो जीरोज इवन नंबर में ही होंगे, जैसे 10,000, 10,000 100 का स्क्वायर है तो 10,000 परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो कितने जीरोज हैं इसमें, 4 जीरोज हैं, यानी इवन नंबर, ठीक है। 4900 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 70 का स्क्वायर, तो देखो इसमें परफेक्ट स्क्वायर में जीरोज हैं तो कितने जीरोज हैं, 2, यानी इवन नंबर, समझ गए? तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसमें जीरोज हैं तो फिर वो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, वो इवन नंबर होंगे, वो ऑड नहीं होंगे, ठीक है, क्यों? अब देखो जैसे मैंने लिखा यहां पे ये, अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो कैसे चेक करेंगे, अब यहां पे 49 है तो 49 7 का स्क्वायर होगा, ये पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन यहां पे हम जीरोस काउंट करेंगे, देखो 2 2 4 2 6, तो इसका मतलब जीरोस जो है वो इवन नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो देखो 49 7 का हो जाएगा और 6 जीरोस हैं तो हम उसका हाफ कर देंगे, 3 कर देंगे, तो 7000 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये नंबर आपको मिलने वाला है।
इसी तरह मैं यहां पे लिखता, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप देखो यहां पे देखोगे, ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये तो है, लेकिन इसके आगे जीरोस कितने हैं? तो यहां पे 5 है, ऑड नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, चाहे 49 आगे लगा क्यों ना हो। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा 3600, ये बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो परफेक्ट स्क्वायर, यस। अब चेक कैसे करेंगे, अगर कोई नंबर है जहां पे आगे जीरो लगा हुआ है तो उसको दो पार्ट में कर दो, जीरो को अलग और 36 को अलग, समझने के लिए। अब देखो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, ये हमें याद होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 1 से लेकर 20 तक सारे स्क्वायर हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब 36 का है, अब यहां पे कितने जीरोज हैं? दो, इवन नंबर है, तो यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर है? तो देखो 36 6 का स्क्वायर है, दो जीरोस है तो एक जीरो आगे लगा, तो बस दो का हाफ एक हो जाएगा, तो ये 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 36 तो है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन सिर्फ इससे नहीं है, हमें, हम तो ये समझ रहे हैं ये 6 का स्क्वायर है, लेकिन इसके आगे जो जीरोस लगे हुए हैं वो ऑड नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 to 1, ये बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? चलो मैं और बड़ा लिख दे रहा हूं, ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर है? चलो मैं आपकी आसानी के लिए अभी बता दे रहा हूं, 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, यस, वेरी गुड। अब देखो 1 to 1 क्या है, 11 का स्क्वायर है, ये तो हमने देख लिया, उसके बाद कितने जीरोज है? 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर हो गए, इसका मतलब यस ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, ऐसे आप फेयर में नहीं करेंगे, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, ये चीज आप रफ में कर सकते हैं, तो यस इट्स अ परफेक्ट। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखो 1 to 1 11 का स्क्वायर तो होता ही है, तो 11 लगा दिया, अब कितने जीरोज है? 6 6 का हाफ कर देंगे क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो 6 का हाफ 3 हो जाएगा, तो 3 जीरोज, तो 11000 का ये स्क्वायर होगा, ठीक है। आई थिंक अब पॉइंट आपको समझ में आ गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी, नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज अ नंबर या फिर देखो थर्ड प्रॉपर्टी एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 10 का स्क्वायर किया 100 आया, 15 का स्क्वायर किया 225 आया। अब देखो यहां पे तुम इवन नंबर का जब स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर नंबर भी इवन आ रहा है, और जब ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर नंबर भी ऑड आ रहा है। तो यहां से क्या पता चला कि द स्क्वायर of an even number is an even number and a square of an odd number
ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या स्टडी की, जब स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो रिजल्ट इवन ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा, और जब ऑड नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, दैट विल बी ऑड। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज द नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बेटा, जब मैं लिख रहा हूं तो आपको ये कर्सर दिखाई दे रहा है या सिर्फ जो मैं लिख रहा हूं वही आ रहा है सामने, मतलब इस टाइप का कर्सर आपको दिखाई दे रहा है माउस का? अच्छा ठीक है, तो नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स क्या मतलब हुआ, मतलब अगर कोई स्क्वायर नंबर्स हैं, जैसे मैं बात करूं स्क्वायर नंबर्स क्या होंगे भाई, वन का स्क्वायर वन होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो अब यहां पे स्क्वायर नंबर्स क्या क्या है, स्क्वायर नंबर्स अभी इस एग्जांपल में स्क्वायर नंबर्स हमारे पास 1 एंड 4, ठीक है। तो ये 1 भी स्क्वायर नंबर है, ये 1 का स्क्वायर है, और 4 भी स्क्वायर नंबर है, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे ये बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं इनके बीच में, इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स या कितने नंबर्स लाई करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या होगा, वन के बाद क्या आएगा, टू और थ्री, ठीक है। तो कितने कितने नंबर्स वन और फोर के बीच में आए, टू, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं फोर के बाद, अब थ्री का स्क्वायर क्या होगा, नाइन। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया हमने 9। अब देखो 4 और 5 के बीच में, 4 और 9 दो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स, तो यहां पे 4 के बाद क्या आएगा, 5 6 7 और 8। तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं, दैट इज 4 5 6 7 8। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, कितने नंबर्स लाई करते हैं। और जाहिर सी बात है अगर ये दो स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे होंगे वो सब के सब नॉन परफेक्ट होंगे, मतलब वो स्क्वायर्स नहीं हो सकते। देखो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसी तरह 4 का स्क्वायर हम करेंगे 16, यानी 9 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 16 है। तो अब 9 और 16 के बीच में देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब देखो 6 नंबर्स, ठीक है। और ये सब के सब, ठीक है, और ये सब के सब क्या है, देखो 10 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स जो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आते हैं ये सारे के सारे नॉन परफेक्ट होते हैं, मतलब स्क्वायर्स नहीं होते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? तो देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स not squares, there are 2n non-perfect numbers, sorry,
बिटवीन द स्क्वायर्स स्क्वायर्स ऑफ द नंबर स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स एन एंड एन प्लस वन. अब देखो एग्जाम्पल को समझे. ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमने किया 2 का स्क्वायर क्या आया 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है. 3 का स्क्वायर क्या आया 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो इस 4 और 9 के बीच में देखो क्या आ रहे थे, 5, 6, 7 और 8, और ये चारों नंबर्स क्या थे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी स्क्वायर नहीं थे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो ये कह रहा है देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. मींस फॉर्मूला क्या है 2n, तो n क्या है, व्हाट इज n. तो देखो जब भी हम कोई भी स्क्वायर नंबर को लेते हैं, जैसे हमने 2, तो वो जिसका स्क्वायर होता है, देखो ये किसका स्क्वायर है, 2 का. ठीक है, तो जब 4 और 9 के बीच में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 2 और 3, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा. तो अगर 2 को हमने n लिया तो देखो 3 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा. यस और नो, यस. Yes, tell me in the chat box. Are you there? हाँ हाँ तो बताइए, मैंने एक क्वेश्चन किया है यहां पे, ये देखना था कि दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स स्क्वायर नंबर्स होते हैं. तो ये कह रहा है कि अगर दो नंबर्स हैं, जैसे 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. तो दो नंबर्स, यानी ये देखो ये कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, नहीं कि 4 और 16 के बीच में, यानी 4 के बाद 9 आएगा, तो 4 और 9 के, ठीक है, 4 और 9 के बीच में हमें देखना है, 4 और 9 के बीच में, 9 और 16 के बीच में. तो देखो ये जिसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है. तो जब हम यहां पे 4 और 9 को देख रहे हैं, तो जिनके ये स्क्वायर हैं, तो ये 2 का स्क्वायर है, तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3. तो अकॉर्डिंग टू दैट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हो जाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हो जाएंगे, 2n, मतलब 2 इंटू n की वैल्यू यहां पे क्या है, देखो 2, तो 2 2 से रखा 4, तो देखो 4 नंबर्स हैं, 5 6 7 8. ठीक है, अभी देखो, अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं तो और समझ में आए. ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहां पे 9 और 16, यानी कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए बेटा, 9 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 25, ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो अब ये बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 3 के बाद 4 आता है, तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 9 और 16 क्या हो जाएगा, 2n, 2 इंटू n की वैल्यू यहां पे क्या है, देखो 3. ठीक है, जिसका वो स्क्वायर होता है वो वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 6, यानी 6 परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे. तो आप देखिए 9 के बाद क्या आता है, 10, 11,
12, 13, 14, 15. तो देखो सिक्स नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसी तरीके से ठीक है एक और एग्जांपल लेता हूं मैं. अब मैं आपसे पूछूं कि 100 और 121 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं. तो देखो 100 किसका स्क्वायर है, पहले देखो किसका स्क्वायर है, 10 का. 121 किसका स्क्वायर है, 11 का. तो अगर स्क्वायर देखने के बाद ये एक के बाद एक आ रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव में, देखो ये 10 है ये 11 है, तब आप सॉल्व कर पाओगे. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू जो कम वाला है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10. सो देयरफॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हो जाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हो जाएंगे, 2n. दैट मींस 2 × 10, n की वैल्यू यहां पे 10 हो जाएगी. ठीक है, तो दैट विल बी 20. तो 20 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे 100 और 121 के बीच. अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये बताओ 100 और 400 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो अभी यहां पे ये इस लेवल को नहीं आपको स्टडी कराया जा रहा है बेटा. अब देखिए 100 किसका स्क्वायर होगा, 10 का, और 400 किसका स्क्वायर होगा, सॉरी 20 का. तो देखो ये 10 है और ये 20 है, तो यहां पे ये जो फॉर्मूला हमने बताया है ये किसके लिए है, जब एक के बाद एक यानी 10 के बाद 11 का स्क्वायर हो या 11 स्क्वायर के बाद 12 का स्क्वायर हो, तब आप सॉल्व करेंगे. तो यहां पे ये सॉल्व नहीं आप कर पाएंगे, इस फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे. आपको पहले 10 और 11 के बीच में निकालना पड़ेगा, 11 और 12, ठीक है, तब आप जाके 20 तक पहुंच सकते हो. तो यहां पे आपको ये देखना होगा, जैसे मैंने आपको लिखा 225 और 16 का स्क्वायर होता 256. अब इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो सबसे पहले देखिए 225 किसका स्क्वायर है, 15 का. 256 किसका स्क्वायर है, 16 का. तो देखो 15 के बाद 16 आया, तो इसका मतलब यहां पे सॉल्व कर सकते हैं. अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटी वाली कितनी होगी, 15. तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं जस्ट टू सेव टाइम, कितना हो जाएगा, 2n. दैट मींस 2 × 15, दैट मींस पॉइंट समझ में आ गया. पॉइंट समझ में आ गया. ठीक है, चलिए आज इतना ही. अब जब लेक्चर अपलोड होगा मैसेज चला जाएगा, बस लेक्चर को देख के आपको उन्हीं चीजों को फिर से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है. आज सिर्फ जो जाएगा वो वीडियो असाइनमेंट जाएगा, और आपके जो साइंस का चैप्टर है उसके वीडियो असाइनमेंट्स आपको जाएंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके देन. Stay home, stay safe, goodbye, walaikum assalam.